व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं नवनीत। और हम लोगों ने दोस्तों ये बॉलीवुड के अंदर ये डायलॉग तो हमने सुना ही होगा कि दोस्तों लाइफ बहुत रंगीन होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों ये तो कुछ ज्यादा ही हो चुका। 2019 के सीरीज के अंदर दोस्तों अब तो कमोड भी आरजीबी के अंदर दोस्तों आने वाली टेक्नोलॉजी, यानी कि आने वाले समय में आप लोगों को कमोड भी दोस्तों आरजीबी लाइट्स और टेक्नोलॉजी से बिल्कुल कंप्लीटली लेस मिलने वाला है। और अगर हम बात करके चले दोस्तों आज के दिन में अगर गेमिंग कम्युनिटी की, तो आज के समय में आप चाहे फैन उठा लो, चाहे आप रैम उठा लो, चाहे किसी भी चीज को उठा लो, यहां तक कि दोस्तों पीसीबी केबल्स जो है वो भी दोस्तों आरजीबी लाइट्स के अंदर दोस्तों आनी शुरू हो चुकी है। अब दोस्तों जिस चीज की हमने उम्मीद नहीं करी थी, जहां पर कि आज हमें देखने को मिलने वाला है SSD के अंदर भी दोस्तों आरजीबी लाइट। तो यह है दोस्तों हमारे टीम ग्रुप की तरफ से T-Force Delta की SSD ड्राइव के बारे में, जो है दोस्तों आरजीबी लाइट से लेस। और ये है दोस्तों जो अभी तक के सबसे, यानी कि अभी तक हम बात करें किसी अदर कंपनीज में, तो ये सबसे ज्यादा ल्यूमिनस एरिया वाला दोस्तों आरजीबी SSD ड्राइव है। तो इसके अगर हम बात करें दोस्तों, इस आरजीबी के अंदर आपको मिल के सकता है 16.8 मिलियंस ऑफ आरजीबी कलर्स लाइट, जो आप लोगों को इस ड्राइव के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलता है। कि अगर आपको इसे खरीदना है, तो इससे पहले दोस्तों आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आपके मदरबोर्ड के अंदर 5 वोल्ट का ADD हेडर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इवन अगर आपको परचेज करना हो, तो इसकी जो वेबसाइट के लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों इस फोन, यानी कि इस SSD ड्राइव के बारे में एक बार देख लेते हैं और अच्छी तरीके से जान लेते हैं। आपको बता दूं कि ये जो मॉडल है, फिलहाल अभी ये 3 मॉडल के अंदर, यानी कि इस SSD ड्राइव की फिलहाल अभी 3 सीरीज जो है अभी लॉन्च हुई है, यानी कि बता दें डेल्टा, डेल्टा आर एंड डेल्टा एस। तीनों की दोस्तों यानी कि फंक्शनलिटी में काफ़ी फर्क है। और बता दें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको डेल्टा एंड डेल्टा आर आपको मिलकर सकता है 5 वोल्ट के मदरबोर्ड, यानी कि 5 वोल्ट का अगर ADD हेडर आपके उसके अंदर है, तो दोस्तों ये दोनों मॉडल उसके अंदर सपोर्टेबल है। और यदि आपके मदरबोर्ड के अंदर दोस्तों 12 वोल्ट का अगर ADD हेडर है, तो उसके अंदर आपको सपोर्ट करके चलेगा डेल्टा का आपको S मॉडल। अगर हम बस स्टार्ट करते हैं हम डेल्टा के आरजीबी नॉर्मल मॉडल से, यानी कि स्टार्टिंग से, तो ये जो है दोस्तों आपसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप अपने कंप्यूटर से। तो वहीं पर दोस्तों ये जो काम करेगा, लेकिन इसमें जो लाइटिंग आएगी वो आएगी दोस्तों कंप्लीटली मल्टी कलर के अंदर। इसमें मतलब कि कोई भी सिंगल कलर ऑपरेटेड जो है ये बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पर दोस्तों दूसरा आता है आपका डेल्टा का आर मॉडल। डेल्टा के आर मॉडल में है दोस्तों, इसे जो है आप बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं कर सकते। इसमें जो मल्टी कलर्स जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही अलग अलग कलर्स के अंदर आपको दिखाता रहेगा। अगला मॉडल आता है दोस्तों जो है 12 वोल्ट के मदरबोर्ड, यानी कि ADD हेडर वाले। तो इसमें जो है दोस्तों ये सिंगल कलर के अंदर आप इसे चूज कर सकते हैं, सिंगल कलर में आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप के कलर के हिसाब से, ताकि आपका जो मॉडल है, यानी कि आपका जो कंप्यूटर का कंप्लीट सेटअप है, वो बिल्कुल एक जैसा इसमें दिख कर चले। तो दोस्तों ये था हमारा जो कंप्लीटली इसका मॉडल का अलग अलग जो चीज़ें जो हमें जानना बहुत ज़रूरी थी। अगला जो है दोस्तों, इस मॉडल के अंदर आपको मिल के सकता है, यानी कि 3 साल की आपको इसके अंदर वारंटी का आपको इसके अंदर टाइम पीरियड मिल के सकता है। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। और दोस्तों बहुत ही जल्द हम भी ये सोच रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं हमारे नेक्स्ट 2019 के नए सेटअप्स के अंदर ये जो हमारा यानी कि SSD ड्राइव है ये जरूर हो, क्योंकि खुशकिस्मती की बात ये है कि हमारा भी मदरबोर्ड जो है दोस्त मदरबोर्ड है ADD हेडर्स के अंदर आपको हमें इनबिल्ट मिल रहा है। दोस्तों हम जरूर करेंगे। वहीं पर दोस्तों आपको इस मॉडल के अंदर दोस्तों आपको 2 कलर्स देखने को मिलने वाले हैं। पहला आपको मिलेगा ब्लैक एंड दूसरा मिलकर चलेगा आपको व्हाइट। अगर आपको दोस्तों व्हाइट और आपके सारा कॉम्बिनेशन अगर आप व्हाइट में लेकर चल रहे हैं, तो आपको लेना है, आपको लेना चाहिए इसके अंदर व्हाइट कलर का। और वहीं पर अगर आपका कंप्लीट सेटअप अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट का सेटअप लेकर चल रहे हैं, या अगर आप कुछ ब्लैकिश टाइप का अगर कंप्लीट सेटअप है आपका, तो इस केस में आप SSD ड्राइव जो लेकर चल सकते हैं आप इसमें ब्लैक। तो बहुत जो चॉइस है वो सारी चीजें आपकी रहेंगी। और बाकी जो इसका एफिलिएट लिंक है दोस्तों मैं नीचे आपको डाल दूंगा, वहां से जाकर परचेज करना चाहे तो आप इसे परचेज यहां से कर सकते हैं। और वहीं पे बता के चलूं, ये जो फिलहाल मदरबोर्ड है वो फिलहाल अभी सपोर्टेबल है, यानी कि ये 4 कंपनी के साथ ये फिलहाल अभी ये कॉन्फ़िगर होकर चल रहा है, यानी कि ये कंपैटिबिलिटी है इसकी। पहला है दोस्तों इसके अंदर MSI, ASUS, Gigabyte एंड ASRock। बाकी दोस्तों ये जो SSD है आपको मिलता है 4 गुना ज्यादा आपको फास्टर मिलकर चलता है कि नॉर्मल SSD ड्राइव से, जो भी फिलहाल आपके सामने यहाँ पर रिपोर्ट जो अभी स्क्रीन पर अभी फिलहाल आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए नीचे जाकर के सबसे पहले। और कुछ अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, बुरा लगा हो तो भी कमेंट करें, और अगर कुछ सुझाव हो तो दोस्तों फिर तो डेफिनेटली आप इसमें कमेंट करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, सी यू बाय एंड आई विल कैच यू इन नेक्स्ट 1।